वो एक ही सेटिंग में हम यहाँ पर सूरी को देखते हैं, जहाँ पर उसने बहुत ड्रिंक कर लिया होता है और तो वो अपने वेडिंग के आउटफिट में थी। उसके सामने चार लड़के होते हैं जो उसे उस टेबल से उतरने के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर वो उतरती नहीं और ड्रिंक किए जा रही थी। फिर यहाँ पर वो अपने हस्बैंड के बारे में बताने लगती है कि मेरा जो हस्बैंड है उसका मेरी शादी हुई, लेकिन वो मेरे साथ हनीमून पे जाने के बदले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही भाग गया। यहाँ पर वो चारों को बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो उसकी कोई बात ही नहीं सुनने जा रही थी। एंड यहाँ पर फिर बाद में उसे उल्टी आने लगती है, जहाँ पर वो भागकर उस रूम के बाहर आ जाती है। तो फिर यहाँ पर उसे खड़ा हुआ जी दिखता है, जहाँ पर वो जी को बहुत हैंडसम लड़का बोलने लगती है और तार उसे कहती है कि जब मेरा हस्बैंड गर्लफ्रेंड रख सकता है तो मैं बॉयफ्रेंड क्यों नहीं रख सकती। फिर वो पास्ट का सीन बताने लगती है, जहाँ पर उसके होने वाले हस्बैंड यानी कि जांग ने उसे कहा था कि तुम्हारा तो बस मेरी वाइफ होने का टैग है, तुम मेरे लिए और कुछ भी नहीं लगती हो, और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर सूजी उसे बोलती है कि ये लो 1 मिलियन, अब से मंथली मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड होने की सैलरी दूंगी। एंड वो दोनों एक रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग किस करना शुरू कर देते हैं एंड धीरे धीरे ये किस मेकअप में बदल जाता है। फिर मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर पहले सूजी की नींद खुलती है तो वो सुबह सुबह ही उसे सड्यूस करना शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ पर जी भी जागा हुआ था तो वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर बाद में वो उसे मना कर देती है एंड चेंज करने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर वो जी को 15 मिलियन का चेक देती है और साथ साथ बोलती है कि बिलाबू तुम रख लो। जी बोलता है कि क्या तुम मुझे डम कर जा रही हो। यहाँ पर सूजी बोलने लगती है कि हाँ, क्योंकि मेरा हस्बैंड अब वापस आ चुका है तो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर जी को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है तो फिर जी बहुत गुस्से में आ जाता है। एंड यहाँ पर हम उसके हस्बैंड जांग को देखते हैं जो किसी और लड़की के साथ था, और वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी एंड साथ साथ वो प्रेग्नेंट भी थी। एंड यहाँ पर वो दोनों को खुशी खुशी पिक करने चली जाती है, जहाँ पर वो उसका जो गर्लफ्रेंड होती है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेस्टी मिनी ही होती है। फिर यहाँ पर मिनी उससे माफ़ी मांगने लगती है। यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि मिनी प्रेग्नेंट है, जहाँ पर सूजी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर भी उसके सामने स्माइल करने लगती है। मिनी उसे परमिशन मांगती है कि क्या मैं इस बच्चे को जन्म दे सकती हूँ ना, तो फिर सूजी उसे बोलने लगती है कि क्यों नहीं, तुम ऑफ कोर्स इसे जन्म दे सकती हो, अब तो हम सब फैमिली है और आगे जाने के बाद ये बच्चा मुझे ही मम्मी बुलाने वाला है। ये बात सुनकर जैंग को गुस्सा आ जाता है तो फिर वो सूजी पर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि ये हमारा बच्चा है, हमें जो करना होगा हम करेंगे, तुम कौन होती हो और ये बोलने वाले कि ये तुम्हें मम्मा बुलाएगा। फिर यहाँ पर सूजी उसे कहती है कि मुझ पर चिल्लाओ मत, ग्रैंडपा ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है, तुम मेरे साथ जाओगे या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाओगे। यहाँ पर बाद में मिनी बहुत रोने जैसा फेस बना देती है, जहाँ पर जैंग कहता है कि हमें से पहले होटल ड्रॉप करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर सूजी हंसने लगती है और बोलती है कि घर ले चलो ना, होटल लेकर जाने की क्या जरूरत है। जैंग को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो, मैं कंपेंसेशन के नाम पर तुम्हें पूरी प्रॉपर्टी देने के लिए रेडी हूँ, अगर तुम्हें उससे ज़्यादा कुछ चाहिए तो मुझसे उम्मीद मत रखना। फिर यहाँ पर वो दोनों जाने लगते हैं, जहाँ पर बीच रास्ते में सूजी गाड़ी रोक देती है। जैंग वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सूजी सारे के सारे डोर्स लॉक कर देती है और उसे डिवोर्स की बात करने लगती है। यहाँ पर जैंग उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और बोलता है, डिवोर्स तुम्हें क्या लगता है, ये डिवोर्स वाली चीज़ें इतनी आसान होती है, जो मैं 1 घंटे के अंदर डिसाइड कर लूँ, मुझे ग्रैंडपा से पहले बात करना होगा। एंड यहाँ पर वो लॉक्स को अनडोर कर देती है, जहाँ पर वो उस बंगलों के अंदर चला जाता है। और यहाँ पर उसी कार में बैठ बैठ कर बोल रही होती है कि अब मैं सचमुच थक चुकी हूँ। फिर यहाँ पर जैंग चला जाता है ग्रैंडपा के साथ और डिवोर्स वाली बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ग्रैंडपा उस पर चिल्लाने लगते हैं। जैंग बोलता है कि वो खुद मुझे डिवोर्स लेना चाहती है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि वो क्या चाहती है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें उसे बताना होगा और तुम्हें उसका दिल जीतना होगा। यहाँ पर जैंग बोलने लगता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता, लेकिन उसे ग्रैंडपा उस पर चिल्ला कर कहने लगते हैं कि तुम्हें करना ही होगा, अगर तुम्हें उसके साथ नहीं रहना तो मैं तुम्हें इस फैमिली से निकाल दूंगा और तुम मेरे ग्रैंडसन कभी भी नहीं रहोगे, साथ ही तुम्हारे पास जो फैमिली है वो भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी, और मैंने सूजी को बचपन से बढ़ते हुए देखा है
तो मैं क्यों उसे धोखा दूँ। जैंग यहाँ पर गुस्से में चला जाता है सूजी के पास और उसे पूछने लगता है कि आखिर तुमने ग्रैंडपा को कौन सा जादू का टोना दिया है जो वो मेरी बातों में आ ही नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही तारीफ किए जा रहे हैं और देखा जाए तो वो मुझसे ज़्यादा तुम्हें अपनी ग्रैंड डॉटर मानते हैं। फिर यहाँ पर सूजी उसे समझाने बुझाने लगती है और उसे रियलिटी चेक देती है, जहाँ पर जैंग को गुस्सा आ जाता है। इतने में मेड आकर उन्हें लंच के लिए नीचे बुलाती है। जैंग उस पर हाथ उठाने वाला था लेकिन सूजी उसे वार्न करती है कि याद रखना मुझ पर हाथ मत उठाना, ग्रैंडपा तो एक्शन लेंगे ही लेकिन उसके पहले मैं तुम पर एक्शन ले लूँगी। फिर सभी लोग बैठ कर नीचे लंच करने लगते हैं। यहाँ पर फिर बाद में जैंग की सिस्टर होती है जो बोलने लगते है कि तुम इतने टाइम तक चले गए थे मुझे तो लगा था तुम वापस ही नहीं आओगे, क्या तुम आज के बाद वापस चले जाओगे। यहाँ पर उसे ग्रैंडपा और उसके डैड दोनों चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि कभी नहीं, अगर ये अब यहाँ से गया तो ध्यान रखना सारे के सारे शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे तुम्हारी सिस्टर और मेरी डॉटर इन लॉ में, फिर बाद में तुम ऐसे ही घूमते रहना आवारों की तरह अब्रॉड में। यहाँ पर उसके सिस्टर इन लॉ बोलने लगती है कि हम तो कुछ ज़्यादा ही अमीर हो जाएंगे अगर ये वापस चला गया तो। फिर यहाँ पर वो लोग आपस में बात करने लगते हैं एक प्रोजेक्ट के बारे में, जहाँ पर उसके ग्रैंडपा और डैड बता रहे होते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हाथ मारना बहुत मुश्किल काम है, एक तो हमारी कंस्ट्रक्शन की कंपनी पहले से ही ढंग की नहीं चल रही है, ऊपर से ये बड़ा सा प्रोजेक्ट बीच में आ गया है जहाँ पर हर कोई कंपनी इस प्रोजेक्ट को पाना चाहती है, लेकिन मुझे पता है वो प्रोजेक्ट को पाने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रिंस मिस्टर बो का फैमिली होने वाला है। यहाँ पर सभी लोग प्रिंस बो की बात सुनकर शौक हो जाते हैं क्योंकि उसका चेहरा ना किसी ने कभी देखा होता है और ना ही किसी ने उससे मिला होता है। फिर यहाँ पर हम प्रिंस बो के ऑफिस में आ जाते हैं जहाँ पर बो कोई और नहीं बल्कि जी ही होता है, आखिर जी का सरनेम बो होता है। फिर यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसकी मदर के बर्थडे के बारे में बता रहा था, जहाँ पर वो कहता है कि दो इन्विटेशन इस लड़की के घर पर भी भेज दो और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी सूजी ही होती है। फिर यहाँ पर उसे ग्रैंडपा बताने लगते हैं कि अगर हम इससे बो के साथ में यानी कि जी बो के साथ में अगर हम एक बार ये कोलैबोरेशन शुरू कर दें तो हमारी कंपनी भी अपलिफ्ट हो जाएगी, साथ ही साथ हमारा जो रेपुटेशन गुडविल है वो सारी चीज़ें भी बढ़ने लगेंगी और आने वाले दिनों में हमारे प्रोजेक्ट्स भी बड़े होते जाएंगे और कंपनी के एसेट भी। यहाँ पर बाद में उसका डैड बोलने लगता है कि मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें पॉसिबल है क्योंकि आज तक किसी ने उसे देखा ही नहीं है और हम उसे ऑफिस मिलने बिना अपॉइंटमेंट के जा भी नहीं सकते तो हमारे साथ वो मीटिंग करेंगे भी नहीं। फिर यहाँ पर उसे ग्रैंडपा बोलने लगता है कि नहीं किस्मत हमारा साथ दे रही है और तो और मिसेस बो का कल बर्थडे है और उनका 70th बर्थडे है जहाँ पर दो इनविटेशन हमारे घर पर भी आया है, तो फिर जैंग और सूजी तुम दोनों वहाँ पर जाओगे जहाँ पर तुम दोनों उनके लिए बहुत प्रीशियस गिफ्ट लेकर जाओगे जो एकदम एंटीक और यूनिक होगा जिसे देखकर उनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे गिफ्ट पर रहेगी, साथ साथ तुम्हारा ये काम रहेगा जहाँ पर तुम उन्हें उस कोलैबोरेशन के लिए सेड्यूस करोगे। यहाँ पर बाद में वो दोनों रेडी हो जाते हैं। इतने में उसकी मम्मा जैंग को बोलने लगती है कि आज तुम दोनों मस्त बेडरूम में सो जाना क्योंकि हमें फ्यूचर में ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर भी तो चाहिए। ये बात सुनकर जैंग को अच्छा नहीं लगता और वो बोलने लगता है कि नहीं आज रात मुझे काम है। उसकी मॉम सोच में पड़ जाती है कि काम तुम्हें कौन सा काम है। फिर वो बोलने लगते कि अच्छा तो तुम मिनी से मिलने जा रहे हो, आखिर तुम मिनी का पीछा कब छोड़ोगे, मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ उसमें कुछ टैलेंट भी नहीं है और तो उसकी पर्सनालिटी बहुत रूड है, वो लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, अब टाइम आ गया है जहाँ पर तुम उसे छोड़ दो क्योंकि तुम्हारी वाइफ ऑलरेडी तुम्हारे साथ में है। फिर बाद में जैंग बोलने लगता है कि प्लीज उसके बारे में ये सब मत बोलिए, वो इतनी बुरी नहीं है। तो उसकी मम्मा उसे बोलने लगती है कि अगर आज रात तुम उसे देखने गए तो फिर तुम देख लेना, ना मैं तुम्हें घर से निकाल दिया। और उसकी मॉम गुस्सा आ जाती है। इसके बाद में वो दोनों अपने बेडरूम में होते हैं जहाँ पर जैंग मिनी से बात कर रहा होता है और मिनी फोन कॉल पर रो रही होती है कि मैं इतनी बुरी हो गया कि तुम मुझसे मिलने भी नहीं आ रहे हो, मैंने यहाँ पर आकर गलती कर दी है। जैंग उसे चुप कराता है और बोलता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस मॉम ने मुझे कुछ काम से यहाँ पर रोक रखा है। दूसरा यहाँ पर सूजी को भी जी का कॉल आ जाता है जहाँ पर जी उसे विला में बुलाता है, लेकिन सूजी उसे बोलने लगती कि नहीं मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि मेरा हस्बैंड अब वापस आ चुका है तो आज रात मुझे उसके साथ रहना है तो मैं वहाँ पर नहीं आ सकती, और रही कंपेंसेशन की बात तो तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकती हूँ। जी को गुस्सा आने लगता है जहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि मैं पैसों के लिए तुम्हें कॉल नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। यहाँ पर सूजी बोलने लगती कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, तुम जो हो वही रहो,
मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर हमारा रिश्ता भी ख़त्म हो जाए मुझे नेक्स्ट टाइम से कॉल मत करना। और यहाँ पर वो कॉल रख देती है, जहाँ पर जैंग आ जाता है और जैंग उसे पूछने लगता है कि आखिर कॉल पर कौन था। तो फिर यहाँ पर सूजी बताने लगते कि मेरा बॉयफ्रेंड। जैंग कहने लगता है कि झूठ बोलना तो बंद कर दो, तुम कहाँ से बॉयफ्रेंड बताओगी। फिर यहाँ पर सूजी उसे बताने लगती है कि तुम इतने साल से गायब हो गए थे तो मैं भी अकेली थी, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वैसे ही मैंने अपना बॉयफ्रेंड बनाया था। यहाँ पर जी अंदर से मैट्रेस निकालता है और उसके ऊपर सोने लगता है और उसे इशारे करके बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी लाइफ में नहीं सोऊंगा। यहाँ पर सूजी एजी का टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिस वजह से उस बेचारे को और भी ठंडी लगने लगती है नीचे सोते हुए। फिर यहाँ पर वो लोग नेक्स्ट डे पहुँच जाते हैं उस लेडी की बर्थडे पार्टी में, जहाँ पर जैंग को कॉल आ जाता है मिनी का। यहाँ पर वो उसे याद दिलाने लगती है कि तुम्हें पता है ना यहाँ पर हम किसी काम से आए, तो फिर आज के दिन को खराब मत होने देना। जैंग यहाँ पर मिनी का कॉल अटेंड करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर मिनी उसे बताती है कि वो वही विला में है जिस विला में तुम बर्थडे पार्टी के लाए हो, और जैंग शौक होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरा यहाँ पर सूजी होती है जो इस भोले विला को घूम रही थी, और यहाँ पर वो बोलने लगती है कि जितना इस फैमिली का बैकयार्ड है उतना तो मेरी फैमिली का घर है, यानी कि जैंग के फैमिली का। ये होती है अमीरों की पहचान। और यहाँ पर वो रोज के बारे में पढ़ने लगती है, जहाँ पर पीछे से जी आ जाता है और उसे बुलाने लगता है। यहाँ पर वो जी को देख के शौक हो जाती है और आजू बाजू देखने लगती है कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। फिर दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं मिनी को, जो झाड़ियों के बीच में से स्नगल कर निकल रही थी चुपके चुपके से, और वो अंदर आ रही थी बिना किसी को देखे हुए। यहाँ पर वो बोलने लगती कि एक बार बस मेरी शादी जैंग के साथ हो जाने दो, फिर देखना मैं इस बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना मेरे लिए हार्ड काम नहीं होगा, बहुत आसानी से काम होगा। और यहाँ पर वो जी को और सूजी को आपस में बात करते हुए देख लेती है। उसे पता नहीं होता है कि जी की आइडेंटिटी क्या है। यहाँ पर बम्मे सूजी उसे बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, किसी ने अगर हम दोनों को यहाँ पर देख लिया तो, और तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। जी उसे बताने लगता है कि मैं क्या करूँगा, मैं तो यहीं पर रहता हूँ। और सूजी को प्लान में क्लिक होता है, जी को समझ आ जाता है कि अब उसे पता चल गया होगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन यहाँ पर सूजी उसे मेड समझ लेती है और बोलती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर काम करते हो, अभी मैं बता दे रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कोई थर्ड पर्सन हमारी आइडेंटिटी के बारे में जाने। यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि तुम हमेशा से ऐसे क्यों हो, तुम्हारा और मेरा वीक आउट हो चुका है। तो सूजी उसे बोलने लगती कि देखो वो बस एक दिन की बात थी, और मेरे हस्बैंड के साथ जब गर्लफ्रेंड हो सकती तो मेरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं, मैंने बस इसलिए तुम्हें चुना, और उसके अलावा हमारा रिलेशन और कुछ भी नहीं है। यहाँ से वो जाने लगती है ये कह के कि तुम अपना मुंह बंद रखना वरना तुम देख लेना। लेकिन जी यहाँ पर उसे जाने नहीं देता, और तो यहाँ पर वो उसे किस करने लगता है और उनके किसिंग का फोटो मैंने निकाल लेती है फटाक से। फिर यहाँ पर वो सूजी उसे दूर जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है और वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। दूसरा यहाँ पर जैंग मिनी को देख लेता है, फिर बमने वो उसे पूछने लगता है कि तुम अंदर कैसे आई। मिनी झूठ झूठ बोलने लगती है कि मुझे गार्ड ने एक्सकॉर्ट किया है, मैंने उनसे कहा कि मैं इन्विटेशन घर पर बुलाई हूँ। फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि मैंने अभी अभी सूजी को देखा। यहाँ पर जैंग टेंशन में आ जाता है और उसे पूछने लगता है कि कहीं सूजी ने तुम्हें तंग तो नहीं किया। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि नहीं सूजी ने तो मुझे नहीं देखा, लेकिन सूजी किसी लड़की के साथ थी। और यहाँ पर वो उसे किसिंग वाला फोटो दिखा देती है, जहाँ पर जैंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहने लगता है कि इस फोटो को रखो, मैं अपनी फैमिली को एक दिन सड्यूस कर जरूर जाऊँगा, जहाँ पर वो मेरी शादी तुम्हारे साथ करा देंगी। फिर यहाँ पर मिनी बोलने लगती है, लेकिन तुम्हारी फैमिली को तो सूजी पसंद है, ऊपर से कल रात तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड किया। यहाँ पर बाद में वो कस भी खाने लगता है कि मैं सच में कह रहा हूँ कि मैं उसके साथ नहीं सोया, मैं तो नीचे ज़मीन पर सोया था। यहाँ पर बाद में मिनी कहने लगती है कि ठीक है, लेकिन आ जाता तो मेरे साथ ही रहना क्योंकि तुम्हारा बेबी तुम्हें मिस कर रहा है। इसके बाद में वो लोग अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर सूजी अपना लिपस्टिक ठीक कर रही होती है, और तो और जैंग वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर बोलने लगता है कि तुम दोनों को इतनी क्या घाई थी कि तुम इतने बड़े मेंशन में ये सारी हरकत कर रहे हो, तुम्हें पता है अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो मेरी और मेरी फैमिली की रेपुटेशन क्या रहेगी। यहाँ पर सूजी उसे चुप रहने के लिए बोलती है, तो फिर जैंग उसे पूछने लगता है कि आखिर वो कौन है जिसके साथ तुम हो, और यहाँ पर वो उसका हाथ मरोड़ने लगता है। इतने में ही सभी लोग आने लगते हैं, जहाँ पर सूजी अपना हाथ छुड़ा लेती है और जैंग बोलता है कि तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। और यहाँ पर उस ओल्ड लेडी का बर्थडे शुरू हो जाता है,
जहाँ पर सभी लोग आने लगते हैं और वो लोग उसे गिफ्ट देने लगते हैं। फिर यहाँ पर सूजी और जांग भी अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हम दो लेडीज को देखते हैं जो आपस में सभी लोगों की आइडेंटिटी के बारे में बात कर रही होती है। इतने में यहाँ पर सूजी की मॉम आ जाती है और तरस की बहन जहाँ पर उसकी मामा से बोलने लगती है कि तुम जब से घर से गई हो तुम तब से वापस नहीं आई हो। सूजी यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि प्लीज मेरी बॉम्ब बनने का नाटक अभी तो बंद कर दो। यहाँ पर उसकी बहन बोलने लगती है कि तुम लगता है कुछ ज्यादा ही नाटक कर रही हो, तुमने यहाँ पर लीदी के लिए क्या लाया है गिफ्ट में। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगते हैं कि तुम जानकर क्या करोगी, जब गिफ्ट देने की बारी आएगी तब तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर उसकी बहन गिफ्ट देने चली जाती है जो एक बहुत प्यारा सा ज्वेलरी पीस होता है और यहाँ पर वो उस पीस के बारे में उन्हें एक्सप्लेन करने लगती है। जहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा था कि जी की मॉम को उस एंटिक पीस वाली ज्वेलरी की कोई कदर नहीं है, वो तो बस उसे बहुत झेल रही थी सुनते हुए। फिर यहाँ पर सूजी की बहन को लगने लगता है कि उन्हें वो पीस बहुत पसंद आया तो वो उसे खुद देने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर वो मेड से कहती है कि पीस लो और बाजू में रख दो। फिर इतने में यहाँ पर सूजी आ जाती है अपना गिफ्ट देने के लिए, जहाँ पर जी की मॉम उसका हाथ से ही गिफ्ट ले लेती है और यहाँ पर उसे गिफ्ट बहुत पसंद आता है तो कहते है कि मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। यहाँ पर ये चीज देखकर उसकी बहन को अच्छा नहीं लगता तो फिर मियाँ उसे बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा गिफ्ट बहुत सस्ता है, तुम आखिर इतनी बड़ी लेडी को तुम इतना छोटा सा गिफ्ट कैसे दे सकती हो। यहाँ पर जैंग को गुस्सा आ जाता है जहाँ पर वो कहने लगता है कि गिफ्ट की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, तुम मैडम के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट भी नहीं ले पाए। इतने में अनाउंसमेंट हो जाता है कि प्रिंस बो आ रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही प्रिंस बो की एंट्री होती है सूजी के होश आवाज उठ जाते हैं और यहाँ पर वो जी को देखकर शॉक हो जाती है। जी यहाँ पर एक वाइन का ग्लास उठाता है और सभी से उसकी मम्मा के बर्थडे पार्टी मनाने के लिए थैंक यू बोलता है। फिर यहाँ पर मियाँ से बोलने लगती है कि मिस्टर बो मैं चाहती हूँ कि आप ही जज करो कि कौन सा गिफ्ट ज्यादा अच्छा है। मैंने उन्हें एक एंटिक ज्वेलरी पीस दिया है जो वर्थ 8 मिलियन का है और खाली प्राइवेट लोगों के लिए बनाया जाता है, कोई और इसे मुश्किल से ही पा सकता है। और यहाँ पर सूजी ने उन्हें न जाने क्या दिया है जिसका वर्थ 1000 भी नहीं होगा, ये आपकी फैमिली के लिए बड़ी शेम की बात है। जी उस पर चिल्लाने लगता है। जी यहाँ पर कहने लगता है कि अच्छा मुझे नहीं पता था। जैंग यहाँ पर सूजी पर चिल्लाने लगता है। फिर यहाँ पर सूजी उसके बारे में एक्सप्लेन करने लगती है कि बहुत टाइम से मैंने सुना है कि लेडी को अपने ब्रेन में पेन सा होता है, यानी कि उन्हें एक सीवियर हेडेक प्रॉब्लम है, तो फिर ये एक स्पेशल सेंट है जिन्हें स्मेल करती है उन्हें अच्छे से नींद आएगी और उन्हें रिफ्रेश फील होगा। यहाँ पे बाद में मियाँ हंसकर बोलने लगती है कि ये सारे तो मेडिसिनल शॉप पर भी मिल जाएंगे, इसमें आखिर खास बात क्या है। फिर यहाँ पर जी उस बॉक्स को मंगवाता है जहाँ पर उसे स्मेल करने लगता है और यहाँ पर वो एक बिस्कस वाले फ्लावर का नाम लेता है, जहाँ पर सभी लोग उस फ्लावर का नाम सुनते ही शॉक हो जाते हैं और इस फ्लावर के बारे में बात करते हैं कि इस फ्लावर का तो नाम और निशान कब का घूम चुका था, इस फ्लावर को उगते हुए तो 10 साल हो जाते हैं। जहाँ पर हायर फैमिलीज के पास ही इस फ्लावर की सीड है और किसी के पास भी नहीं। फिर यहाँ पर ग्रैंडमा बोलने लगती है कि मुझे सूजी तुम्हारा गिफ्ट बहुत पसंद आया, मैं हमेशा इसे अपने बेडरूम में लगा कर रखूंगी, ये तो किसी ज्वेलरी की वॉच भी नहीं है और इसके साथ कम्पीट नहीं कर सकता, तुम्हारा गिफ्ट बहुत अच्छा है। ये बात सुनकर मियाँ को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है। जब मियाँ अपनी मॉम को बोलने लगती है तो उसकी मॉम कहने लगती है कि कोई बात नहीं, हम आज ही की आज से रिवेंज लेकर जाएंगे। फिर यहाँ पर उसकी मम्मा वहाँ से चली जाती है जहाँ पर जी को जैंग आ जाता है और यहाँ पर जैंग अपना इंट्रोडक्शन उसे देने लगता है। फिर इसके बाद में जी कहने लगता है कि मैं इतना जल्दी तुम्हारे साथ कोलैबोरेट कैसे कर लूँ, ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली का है। फिर यहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि हाँ हाँ इतनी आसानी से मिस्टर जी किसी को कोलैबोरेशन क्यों दे सकते हैं। फिर यहाँ पर वो से बोलने लगते हैं कि तुम्हारी फैमिली मेम्बर में से तुम्हारी वाइफ ने मुझे बहुत सैड किया है। यहाँ पर जैंग को गुस्सा आ जाता है जहाँ पर वो अपनी वाइफ सूजी को बुलाता है और उसे पूछने लगता है कि ऐसा क्या हो गया जो तुमने इन्हें गुस्सा दिला है। ये बोलने लगता है कि अब तुम अपनी वाइफ से ही पूछ कर रखो। यहाँ पर सूजी बताने लगती है कि 3 साल पहले मैंने गलती से इनकी कार पर स्क्रैच मार दिया था और कुछ भी नहीं। फिर यहाँ पर वो वाइन का ग्लास उठाती है और उसे पीकर उसे माफी मांगने लगती है। तो फिर यहाँ पर जी बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि एक छोटू सा वाइन का ग्लास मुझे तुम्हारी माफी को माफ करने के लिए बोल सकता है। फिर यहाँ पर वो एक बॉटल लाता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग वाइन की होती है। फिर वो सभी ग्लासेस में उसे डाल देता है और बोलता है कि इसे पी लो, फिर मैं रेडी हो जाऊंगा और शायद तुम्हें माफ कर दूं। फिर यहाँ पर सूजी रेडी हो जाती है वो वाइन के ग्लासेस पीने के लिए और सभी लोग यहाँ पर बोलने लगते कि सूजी कितनी ब्यूटीफुल और कूल है, वो यहाँ पर रेडी हो गई है सारे के सारे वाइन पीने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपना, अपनी फैमिली का और कंपनी का नाम बचाने के लिए। उसका हस्बैंड तो कितना यूजलेस है।
ये सारी बातें सुनते ही जैंग बोलने लगता है कि नहीं, ये मेरी वाइफ है, मैं उसे इतना स्ट्रांग अल्कोहल कंज्यूम करने नहीं दे सकता, तो इसके बदले मैं सारे वाइन्स पीऊंगा। ये चीज सुनकर जी को गुस्सा आ जाता है और तो जैंग यहाँ पर सभी के सभी अल्कोहल्स को पीने लगता है। जहाँ पर दो ग्लास बच गए थे तो उसकी वाइफ सुजी बोलने लगती है कि बाकी के दो ग्लास मैं पी लूंगी क्योंकि मेरा हस्बैंड फिलहाल स्टेबल नहीं है। यहाँ पर जी को गुस्सा आ जाता है कि यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और यहाँ से गुस्से में वो चला जाता है। दूसरा यहाँ पर जैंग फोटो निकालता है और बोलने लगता है कि ये तो कुछ उसके जैसा दिख रहा है। फिर उसे उल्टी आने लगती है और वो चला जाता है बाथरूम में। फिर उसके पीछे पीछे सूजी जाने लगती है तो इतने में ही मी आती है जो जानबूझकर उस पर वाइन गिरा देती है और वो वाइन उसे कपड़ों पर लग जाता है। यहाँ पर मिया माफी मांगने लगती है तो सूजी बोलने लगती है कि मेरे पास तुम्हारे बच्चों जैसी हरकतों के लिए टाइम नहीं है, तो मुझे जगह दो। और यहाँ से वो चली जाती है जहाँ पर उस मॉम का यानी कि जी की मॉम का असिस्टेंट आ जाता और उसे कमरे की तरफ एस्कॉर्ट करता है और बोलता है कि हमने आपका कपड़ा यहाँ पर रखा है और कहने लगता है कि टेंशन मत लीजिए, इस बड़े से कमरे में कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इस फैमिली के मेंबर्स आ सकते हैं। यहाँ पर वो जैसे ही अपने कपड़े को अनजिप करती है वहाँ पर आ जाता है जी, जहाँ पर वो जी को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तो जी यहाँ पर आकर बोलने लगता है कि मैं यहाँ से वापस जाऊँ, ये मेरा ही कमरा है। और यहाँ पर आके वो बैठ जाता है तो वो उसे कहते हैं कि मुझे कपड़े चेंज करने हैं। तो जी बोलता है करो ना, मैंने कहाँ पर मना किया है। यहाँ पर बाद में वो अपना ड्रेस निकाल देती है। जी यहाँ पर अपने आप को बहुत कंट्रोल करता है और जैसे ही वो अपना दूसरा ड्रेस देने लाती है जी यहाँ पर उसे अपनी लैप पर बैठा लेता है और यहाँ पर वो उसे किस करना शुरू कर देता है। दूसरे यहाँ बैंक को देखते हैं जो कब से बाथरूम में उल्टियाँ किए जा रहा था। यहाँ पर वो उसे कॉल लगाने लगता है जहाँ पर उसकी वाइफ जी के साथ मेकआउट कर रही होती है। फिर बाद में सोची उसे कहने लगते कि मेरे हस्बैंड का कॉल आ रहा है। यहाँ पर वो कॉल पिक करते उसे कहते कि मैं ऊपर वाले रूम में चेंज कर रही हूँ। बैंक उसे कहने लगता है कि जल्दी नीचे आओ, मुझे कुछ काम है। यहाँ पर बाद में सोजी कपड़े पहनने लगती है जहाँ पर जी उसे कपड़े को जिप करने में हेल्प करता है और उसे कहने लगता है कि डिवोर्स ले लो और मेरे साथ आ जाओ। सूजी यहाँ पर हंसते हंसते बोलती है कभी नहीं, तुम चाहते हो कि मैं मेरी फैमिली से रिश्ता तोड़ दूँ और यहाँ पर तुम्हारे साथ साइड चिक बनकर रहो, तो ये कभी नहीं हो सकता। तुम क्या मुझसे शादी करने वाले हो। यहाँ पर जी बोलने लगता है कि हाँ। फिर बाद में सूजी से कहने लगती है बस करो, ये मजाक का समय नहीं है, मैं चाहती हूँ कि हम अपने ग्रजेस रिवेंज अभी के अभी यहाँ पर खत्म कर दे और एक नॉर्मल प्रोफेशनल लाइफ आगे से जिए। यहाँ पर वो जा रही हो तो जी उसे याद दिलाने लगता है कि मैं तुम्हें अच्छे से याद दिला रहा हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड जैंग तुमसे प्यार नहीं करता और तो और उसे तुम पर चीट भी किया है, तुम आखिर उसके साथ लाइफ टाइम कैसे रह पाओगी। अभी ही मौका उसे छोड़ दो और अपनी लाइफ फ्रीडम के साथ जियो। यहाँ पर सूजी जाने लगती है तो फिर जैंग उसे उठा लेता है और अपने बेड पर डाल देता है और कहने लगता है कि छोड़ो, अब मैंने मेरा मन बदल दिया है क्योंकि तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी नहीं हो। अब तो मैं तुम्हें वो प्रोजेक्ट दे भी नहीं सकता और हम उस प्रोजेक्ट के बारे में बात भी नहीं कर सकते। यहाँ पर सूजी मन में सोचने लगती है कि मैं जैंग की फैमिली के साथ ऐसा नहीं कर सकती, और उसकी फैमिली ने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा है और अपनी बेटी माना है, तो मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती और तो उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगते कि प्लीज कि क्या हम प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रख सकते हैं, इन दोनों को मिक्स करना ठीक नहीं होगा। जी यहाँ पर मन में गुस्से में आ जाता है और बोलने लगता है कि अभी भी ये अपने हस्बैंड का साइड ले रही है जिसने उस पर चीट किया है। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें कल से ग्रीन विला में रहना पड़ेगा, तब जाके मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा। फिर यहाँ पर सूजी उसे हाँ कह देती है और वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं तो ग्रैंडपा जैंग को पूछने लगते हैं कि आखिर इस प्रोजेक्ट का क्या हुआ। तो जैंग यहाँ पर गुस्से में बोलने लगता है कि वो प्रोजेक्ट मुझे मिल जाता लेकिन किसी की गलती की वजह से वो प्रोजेक्ट अब रुक चुका है। और यहाँ पर वो सूजी की तरफ इशारा करता है तो ग्रैंडपा बोलने लगते हैं कि कोई बात नहीं, ये प्रोजेक्ट चला गया तो क्या हुआ, हम कोई और प्रोजेक्ट पर फोकस कर लेंगे। यहाँ पर जैंग को गुस्सा आ जाता है और वो ग्रैंडपा को बोलने लगता है कि सच में अगर मैंने इस प्रोजेक्ट को मैसअप किया होता तो आप मुझे मार ही डालते और सूजी ने किया तो आप उसे कुछ कह ही नहीं रहे हो, ये प्रोजेक्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था और अब जबकि सूजी ने खराब कर दिया तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं होता तो मैं पिट जाता। यहाँ पर ग्रैंडपा उसे चुप रहने के लिए बोलते हैं। फिर भी जैंग गुस्से में बोलने जाता है कि न जाने कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपका ग्रैंडसन तो हो ही नहीं बल्कि सूजी आपकी रियल ग्रैंडडॉटर है, जब देखो तब आप सभी लोग उसी का साइड लेते रहते हो। और यहाँ से वो गुस्से में जाने लगता है जहाँ पर उसकी मामा से रोकती है लेकिन सूजी बोलती है कोई बात नहीं
उन्हें जाने दो, जब घर पर आएगा तो वापस नॉर्मल हो जाएगा। फिर यहाँ पर सूजी उस बात को याद करने लगती है जहाँ पर उसने उसे ग्रीन विला में आने के लिए कहा था। इसके बाद में सूजी फ्रेश होकर अपने बेड पर बैठती है तो उसे जी का कॉल आने लगता है। तो जी बोलता है कि तुम अभी तक यहाँ पर आई नहीं, मैंने कहा था ना ग्रीन विला में मूव ऑन करने के लिए। यहाँ पर वो उसे कहने लगते कि हाँ मैंने भी यहाँ कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि कितने सालों बाद आऊँगी, मैं वहाँ पर 5 सालों बाद आऊँगी। जी गुस्से में आकर बोलने लगता है, तो एक काम करो ना 50 साल के बाद ही आ जाओ, 50 साल के बाद हम तुम्हारी कंपनी के कोलैबोरेशन के बारे में बात करने लगेंगे। फिर यहाँ पर सूजी से कह देते कि मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना और फ़ोन कट कर देती है। और तो यहाँ पर वो सोचने लगती है कि एक बार ऑक्शन में बिडिंग होने लगी तो ये कोलैबोरेशन मैं आसानी से ले सकती हूँ। फिर यहाँ पर वो सोने जाती है तो फिर वो जी के और उसके मेकअप के बारे में सोचने लगती है और ब्लश करने लगती है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट टाइम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग सूजी के खिलाफ बोल रहे होते हैं और यहाँ पर बी भाई भी होती है जो कह रही होती है कि सूजी तो ये पोजीशन डिजर्व ही नहीं करती है, देखना आज की मीटिंग में तो पोजीशन मुझे ही मिलकर रहेगा, ना जाने सूजी अपने आप को क्या समझती है। यहाँ पर सूजी उन सभी की बातों को सुन रही होती है। फिर यहाँ पर आकर वो बैठने लगती है जहाँ पर उसकी एक फैम बोलने लगती है कि क्या तुमने सब कुछ सुन लिया। तो सूजी बोलती कि नहीं मैं दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर वो बैठने लगती है तो बी भाई उसे बात करने लगती है और तो और उसे उड़ता उछलता बोलने लगती है। तो सूजी कहती है कि प्लीज़ तुम अपना मुंह बंद रखो तो ही ठीक रहेगा, मुझे ये वो डिपार्टमेंट में वो लोग शिफ्ट नहीं करने वाले हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि मैं किस काबिल हूँ। इतने में यहाँ पर मैनेजर आते हैं जो उन्हें उनकी न्यू एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो न्यू एम्प्लॉय मिनी होती है। सूजी यहाँ पर मिनी को देखकर शॉक हो जाती है। फिर यहाँ पर मिनी उसे हैंडशेक करके बोलने लगती है कि अच्छा हुआ हम यहाँ पर भी मिल गए, अब तुम मेरा ध्यान रख पाओगी। बी भाई पूछने लगती है कि तुम दोनों का एक दूसरे को जानते हो, तो मिनी बताने लगती है कि हाँ हम हाई स्कूल से साथ में रहे हैं और तो और हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और यहाँ पर वो उसे हाथ मिलाती है जहाँ पर सूजी हाथ मिलाते हुए बोलती है कि हाँ हाई स्कूल से हम साथ में तो है लेकिन बेस्ट फ्रेंड वाली बात वो तो बिल्कुल भी सच नहीं है। और यहाँ पर वो अपना हाथ हटा देती है जहाँ पर बी भाई को लगने लगता है कि सूजी बहुत घमंडी है और वो यहाँ पर आके मिनी से कहने लगते कि तुम इस पर फोकस मत करो, ऐसे भी तुम्हें मेरे साथ ही काम करना है। इसके बाद में मैनेजर मीटिंग अटेंड करने लगते जहाँ पर वो लोग प्रोन्स एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। फिर यहाँ पर वो बोलने लगते कि हाँ बी भाई भी इस काम का हकदार बन सकती है लेकिन हम ये प्रोजेक्ट सूजी को देंगे क्योंकि सूजी बहुत ज़्यादा डिजर्विंग है। ये बात सुनकर बी भाई को चैलेंज फील होने लगता है। फिर यहाँ पर मिनी अपना मुंह खोलती है और बोलने लगती है कि मैनेजर आपको नहीं लगता कि बहुत अनफेयर है, ये तो बराबर कॉम्पिटिशन होना चाहिए ना, मेरे अकॉर्डिंग तो बी भाई को ये पोजिशन मिलना चाहिए। फिर यहाँ पर मैनेजर बोलने लगता है कि ठीक है अगर तुम लोगों को ये अनफेयर लग रहा है तो हम एक बैट रखते हैं, हमारे VIP इंटरव्यू वाले में जो भी उस इंटरव्यू को क्रैक करेगा हम उसे इस पोजीशन को दे देंगे। यहाँ पर बाद में वो लोग VIP इंटरव्यू के बारे में बात करने लगते हैं जहाँ पर वो इंटरव्यू देने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि जी होता है। फिर यहाँ पर सूजी बोलने लगती है कि अब तो मैं पक्का काम से गई, मुझे लग रहा था कि जी का काम तो बस कोलैबोरेशन तक है लेकिन यहाँ पर तो वो मेरे ऑफिस तक भी आ चुका है। फिर यहाँ से सभी लोग जाने लगते हैं तो मिनी उसे बात करने लगती है लेकिन सूजी उसे चुप कर देती है और बोलने लगती है कि देखो तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो लेकिन तुमने अगर मेरे साथ मैसअप करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ कि मैं 3 साल जैसे पहले की तरह चुप नहीं रहूंगी, इस बार मैं तो तुम्हें पूरा का पूरा तबाह करके रख दूंगी, तो फिर मेरे साथ अच्छे से बिहेव करना। और यहाँ से वो चली जाती है जहाँ पर मिनी मन में बोलने लगती है कि देखना जो कुछ भी तुम्हारा है वो बहुत जल्दी मेरा होकर रहेगा और तो मैं जैंग से शादी भी करके रहूंगी और तुम्हारा मिसेज जैंग होने का टैग भी ले लूंगी। फिर यहाँ पर रात का टाइम हो रहा होता है जहाँ पर सूजी कॉल लगा लेती है जी को और वो बड़ी प्यार से उससे बात करने लगती है और मन में सोचने लगती है कि लगता है ये बहुत गुस्से में। जी यहाँ पर बोलने लगता है कि इतने टाइम बाद तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो, क्या मेरा कुछ काम है? और यहाँ पर उसे वो काम बताने लगती है जहाँ उसे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले सकती हूँ। यहाँ पर जी बोलने लगता है कि तुम कितनी शेमलेस हो ना, पहले मुझे तुमने ठुकराया और अब तुम मेरे पास अपने काम के लिए वापस से आ रही हो, ठीक है अगर काम निकलवाना तो अभी यहाँ पर आ जाओ ग्रीन विला में। लेकिन सूजी टाइम देखती है और बोलने लगती है कि नहीं नहीं रात को मिलना ठीक नहीं रहेगा और आप बहुत थक गए रहोगे ना, तो हम सीधा कल मिलते हैं। और यहाँ पर वो उसे गोल्फ कोर्स में बुलाने लगता है। सूजी यहाँ पर बोलने लगती है कि ठीक है मेरी ग्रैंडपा वहाँ के मेंबर है मैं वहाँ पर जा सकती हूँ। नेक्स्ट डे यहाँ पर मिनी आती है जो बोलने लगती है कि मैं यंग फैमिली की वाइफ हूँ यानी कि यंग फैमिली की डॉटर इन लॉ हूँ तो मुझे यहाँ पर से जाने दो।
और यहाँ पर वो बैठ जाती है। इतने में सूजी भी सेम आइडेंटिटी बताती है, तो बाद में वो स्टाफ बोलने लगती है कि आपके पहले एक फीमेल आई थी जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी सेम बताई थी। इतने में यहाँ पर जी और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं, जहाँ पर सभी के सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर मिस्टर जैंग की दो वाइफ कैसे हो सकती है, एक ही तो हो सकती है। फिर यहाँ पर जी स्टाफ को बोलता है कि क्यों ना तुम जैंग को कॉल लगा कर पूछ लो कि उसकी वाइफ कौन है। फिर यहाँ पर वो मिस्टर जैंग को वीडियो कॉल लगाने लगती है और यहाँ पसंद बोलने लगता है कि बहुत हो गया अब सूजी का, मैं तो सिर्फ मिनी को चूज करूंगा। यहाँ पर वो मिनी को चूज करता है, जहाँ पर सभी लोग सूजी पर हंसने लगते हैं क्योंकि उसे लगने लगता है कि वो अपनी फेक आइडेंटिटी बता रही है। मनी मनजी खुश हो रहा था कि देखा जिस हस्बैंड का तुम प्रेस करती हो उसी हस्बैंड ने तुम्हें चुकरा दिया है। फिर यहाँ पर सूजी बोलने लगती है कि मुझे इस क्लब की मेंबरशिप चाहिए और वो अपना ब्लैक कलर का कार्ड निकालती है जिस पर के यानी कि किंग लिखा हुआ होता है। फिर यहाँ पर सभी लोग उसके कार्ड के बारे में बात करने लगते हैं और यहाँ का एक स्टाफ बोलने भी लगता है कि तुम्हें नहीं लगता वो कार्ड खाली रिच इंसानों के पास होता है और तुम्हारे कार्ड पर तो के लिखा हुआ है, लेकिन तुम उस कार्ड को बनाने वाली कंपनी की ओनर हो। फिर यहाँ पर सूजी बोलने लगते है कि हाँ मैं ही हूँ जिसने इस कार्ड को पूरी कंपनी में इंट्रोड्यूस किया है और ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ पूरे चाइना में 20 लोगों के पास है। फिर यहाँ पर वो उसे बात करने के लिए जाता है लेकिन जी उसे हाथ तक नहीं मिलाने देता और वो अपने फ्रेंड को दूर कर देता है। इसके बाद में सूजी गोल्फ खेल रही होती है, जहाँ पर उसके चारों फ्रेंड सूजी की तारीफ कर रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर मिनी आती है जो जी के बाजू में आके बैठ जाती है और उसे इंटरव्यू के बारे में पूछने लगती है, लेकिन यहाँ पर जी तो उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था और तो और उसका पूरा का पूरा फोकस सूजी के ऊपर ही होता है, जहाँ पर सूजी के फ्रेंड्स उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। फिर बाद में उसका एक फ्रेंड बोलने लगता है कि क्यों ना तो मुझे कोचिंग दो, और यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ने वाला था, जहाँ पर जी उठ जाता है और उसे उससे दूर रहने के लिए बोलता है। फिर यहाँ पर उन दोनों में बैठ लग जाती है, लेकिन सूजी बोलने लगती है पर आप उनसे हार जाओगे। उसके फ्रेंड्स बताने लगते कि नहीं नहीं तुम कभी नहीं जीत पाओगे हमारे मिस्टर जी से, क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और उन्हें गोल्फ का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी। फिर यहाँ पर सूजी बोलने लगती कि ठीक है मैं ये गेम खेलने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे में से वो हार गए तो मुझे क्या मिलेगा। फिर यहाँ पर जी बोलने लगता कि जो तुम बोलोगी वो होगा। फिर वो बोलने लगते कि ठीक है अगर मैं जीती तो फिर ये इंटरव्यू तुम मेरे साथ करोगे, तो जी बोलता है कि ठीक है मैं सोचूंगा। और यहाँ पर वो लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर सूजी जीत जाती है और तो यहाँ पर बोलने लगती है कि अब तो तुम मेरे साथ इंटरव्यू करने के लिए रेडी हो। जी बोलने लगता कि नहीं, तो सूजी कहते कि लेकिन तुमने प्रॉमिस किया था। जी कहता है मैंने प्रॉमिस नहीं किया था, मैंने कहा था मैं सोचूंगा, लेकिन मेरे सोचने पर मैं तुम्हें ना कह रहा हूँ तो फिर मैं नहीं करूँगा। यहाँ पर से बाद में वो लोग चले जाते हैं, जहाँ पर सूजी को गुस्सा आने लगता है। यहाँ पर बामा सूजी अपने कंपनी में होती है, जहाँ पर मैनेजर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे मिस्टर बो के साथ में इंटरव्यू मिल गया होता है। तो वो पूछने लगता है कि आखिर इस काम का हकदार कौन है, सूजी या फिर मिनी। मिनी यहाँ पर खुद ब खुद खड़े होकर बोलने लगते कि मैंने ही उन्हें इस इंटरव्यू के लिए पूछा था। फिर यहाँ पर मैनेजर उसकी तारीफ करने लगता है और टार वो से ये भी बोलने लगता है कि ठीक है अब ये पोस्ट तो तुम्हें ही मिलकर रहेगी। यहाँ पर मैनेजर खुशी खुशी चला जाता है, तो सभी लोग यहाँ पर आते हैं और टॉर मिनी को कंग्रेचुलेशन करने लगते हैं। फिर वो लोग मिनी से पार्टी मांगने लगते हैं, तो मिनी बोलती है कि ठीक है हम उस फेमस वाले जापानीज रेस्टोरेंट में जाएंगे। और यहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग कहने लगते हैं कि ये रेस्टोरेंट कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। मिनी बोल रही थी कोई बात नहीं मैं पे कर दूंगी। फिर यहाँ पर सभी लोगों से पूछने लगते कि तुमने तो कहा था कि तुम पुअर फैमिली से बिलोंग करती हो। यहाँ पर मिनी बोलने लगती है कि हाँ मैं बिलोंग करती तो हूँ, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, उसकी वजह से मैं अब्रॉड में पढ़ पाई हूँ और उसकी फैमिली मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करती है। यहाँ पर सूजी मन ही मन हंस रही होती है। इतने में मेन्यू आता है, तो फिर वो उसे ही ऑर्डर करने के लिए बोलती है और तो और यहाँ पर वो लोग खाने बैठते हैं, जहाँ पर एक एक कर बहुत सारे डिशेज आने लगते हैं और तो और सूजी ने सारे के सारे मेन्यूज ही मंगवा दिए थे। बेचारी मिनी मन ही मन सोच रही होती कि न जाने मेरा बिल कितना आएगा, और उसका बिल बहुत महंगा आता है, जहाँ पर सभी लोग बिल को देखकर शॉक हो जाते हैं। और फिर वो लोग बोलते हैं कि सूजी अब तुम्हें बिल पे करना पड़ेगा। सूजी बोलने लगती कि मैं क्यों पे करूँ, मैंने तो कुछ खाया भी नहीं है, तुम ही सब कब से खाए जा रहे हो। तो फिर यहाँ पर वो लोग सोचने लगते कि बात तो ये सही बोल रही है। फिर यहाँ पर वो लोग कहते कि क्यों ना तुम अपने बॉयफ्रेंड से कहो पे करने के लिए। यहाँ पर बाद में बोलने लगती कि ठीक है मैं जाकर अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगा लेती हूँ। और तो और मिनी अपने बॉयफ्रेंड
जैंग को कॉल लगाती है। जहाँ पर वो गुस्सा हो जाता है तो मिनी उसे सब कुछ बताती है। जैंग बोलता है कि ठीक है तुम मेरा वेट करो, मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। फिर यहाँ पर वो आकर सबको सब कुछ बता देती है। जहाँ पर सूजी उसे पूछती है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की मी और मेरी आइडेंटिटी साथ में आ जाएगी। यहाँ पर वो वॉशरूम चली जाती है जहाँ पर सभी स्टाफ मेरी से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की आइडेंटिटी और तो और सूजी का क्या रिलेशन है। फिर यहाँ पर वो लोग बोलने लगती है तो फिर मिनी कहती कि नहीं नहीं हम तो बस हाई स्कूल में साथ में थे। फिर सभी लोग बोलने लगते कि अब हम समझे कि सूजी तुमसे जेलस फील करती है क्योंकि उसे तुम्हारे बॉयफ्रेंड पर क्रश होगा। और यहाँ पर वो लोग सारे के सारे अजम्पशंस लगाने लगते हैं। यहाँ पर वापस जैंग आ जाता है जहाँ पर मिनी सभी को अपने बॉयफ्रेंड जैंग से इंट्रोड्यूस करवाने लगती है। दूसरा यहाँ पर हम जी को सेम रेस्टोरेंट में देखते हैं। फिर वहाँ पर जी सूजी को देख लेता है और वो उससे बात करने के लिए चला जाता है। जहाँ पर सूजी उससे नाराज़ होती है और उस पर गुस्सा होने लगती है। जी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारी जितनी भी हेल्प कर लूँ तुम हमेशा काम होने के बाद मुझसे बहुत एरोगेंटली बिहेव करती हो। यहाँ पर सूजी उसे ज्यादा कुछ नहीं बोलती। इतने में यहाँ पर जैंग उन दोनों को देख लेता है और जैंग सोचने लगता है कि आज तो मैं इसके लवर को पकड़ कर रहूंगा। जैंग आगे बढ़ता है तो यहाँ पर जी को पाता है तो वो जी से माफी मांगने लगता है। जहाँ पर वो कहने लगता है कि सॉरी मैंने आप दोनों को गलत समझ लिया। फिर यहाँ पर जी बोलने लगता है कि कल गोल्फ कोर्स में लगता है तुमने अपनी वाइफ को पहचाना नहीं और तुमने मिनी को अपनी वाइफ बना लिया। फिर बाद में जैंग मन ही मन बोलने लगता है कि अगर मेरी इमेज यहाँ पर ख़राब हो गई तो लाइफ टाइम ये मुझसे बात नहीं करेगा। तो फिर जैंग बोलने लगता है कि हाँ मैंने वो जानबूझकर किया ताकि मेरी वाइफ जेलस फील कर सके। और आपको पता नहीं है मेरी वाइफ का खुद ब खुद एक बॉयफ्रेंड है, वो तो अपने बॉयफ्रेंड को आपके मामा की बर्थडे पार्टी में भी लेकर आई थी लेकिन वो मैं था जो उसे समझा बुझा रहा था। यहाँ पर मनी मन सी बोलने लगता है कि लगता है ये अभी भी अपने हस्बैंड से उतना ही हेट करती है, मुझे तो बस ऐसे बड़ा चढ़ा कर बता रही थी। फिर यहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं जहाँ पर मिनी जैंग को और जी को थैंक यू बोलती है। जी यहाँ पर पूछता है कि तुम मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हो। तो फिर वो कहते हैं कि इंटरव्यू देने के लिए, आपने मुझे इंटरव्यू देने का मौका दिया। जी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है कि नहीं तो मैंने तुम्हें कहा, मैंने तुम्हें से सूजी को इस इंटरव्यू का मौका दिया है। सभी लोगों को लगने लगता है कि सूजी ने यहाँ पर जी को चढ़ाया पड़ा होगा। तो जी कह देता है कि नहीं, शुरुआत से कॉन्ट्रैक्ट मैंने मिसेस सूजी के साइड से साइन किया था। फिर यहाँ पर वो सभी लोग गुस्से में चले जाते जहाँ पर जी सूजी को बोलता है कि बस अब तो तुम खुश हो ना। और यहाँ पर सूजी सचमुच खुश हो जाती है। फिर यहाँ पर फाइनली वो इंटरव्यू शुरू हो जाता है जहाँ पर इंटरव्यू खत्म होने के बाद जी बात करता है सूजी से और उसे कहने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन यहाँ पर सूजी उसे ना बोल देती है और कहती कि नहीं मैं इस बात को नहीं मानती। फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुम पर चीट किया, तुम्हारी शादी के दिन वो अपने वाइफ के साथ वहाँ से चला गया था और तुम्हें लगता है वो अभी भी तुम्हारे साथ रहेगा। सूजी उसे पूछते कि तुम्हें ये सब कैसे पता। फिर सूजी को वो दिन याद आने लगता है जिस दिन वो बहुत ड्रंक थी अपनी वेडिंग नाइट पर और तभी तो उसे जी मिला था, तभी उसने ये सारी चीज़ें उसे बताई होगी। यहाँ पर वो डरने लगती है और कहती कि नहीं अब मेरा लव से पूरा भरोसा उठ चुका है। तो फिर जी उसे कहने लगता है कि तुम बस एक स्टेप आगे लो, बाकी के 99 स्टेप्स मैं आगे ले लूँगा। और तो मैं तुमसे शादी करने के इंटेंशन से मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोल रहा हूँ और कुछ भी नहीं। और रही बात प्यार की तो जैंग अलग है और मैं अलग हूँ, हम दोनों बहुत अलग पर्सनालिटीज़ और अलग अलग ह्यूमन है, हम दोनों की प्रायोरिटीज़ अलग है, उसकी प्रायोरिटी उसकी गर्लफ्रेंड है और मेरी प्रायोरिटी तुम हो। फिर यहाँ पर सूजी थोड़ा सा मुस्कुराने लगती है। फिर हमें जी उसे कहता है कि आज रात ग्रीन विला में तो आओगी ना, तो वो उसे कहते हैं कि नहीं मैं बिजी हूँ। इसके बाद में वो चली जाती है अपने ऑफिस में जहाँ पे बी बाई को ऑफिस से निकाल दिया जाता है क्योंकि एक ही पोस्ट बची थी और वो पोस्ट मिनी को मिल चुकी थी और तो और सूजी ने यहाँ पर इंटरव्यू किया था इसलिए वो लोग उसे नहीं निकाल सकते थे। दूसरा यहाँ पर सभी लोग बहुत खुश होते हैं लेकिन इतने में ही मैनेजर के पास में वो फोटो हाथ लग जाती है। वो फोटो होती है जी की और सूजी की किस करते हुए और वो उस फोटो को देख लेता है और तो और वो सूजी को फोटो बताने लगता है जहाँ पर सूजी भी उस फोटो को देखकर शॉक हो जाती है। इसके बाद में मैनेजर बोलने लगता है कि तुम्हारी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है और तुम ये सब कर रही हो, मैं तुम्हें उस पोजीशन पर नहीं भेज सकता क्योंकि अगर मैंने तुम्हें वो पोस्ट दे दी तो फिर सभी लोगों में गलत इन्फ्लुएंस आने लगेगा, इसलिए मैं तुम्हें उस पोस्ट से निकाल रहा हूँ और ये पोस्ट मिनी को दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर सूजी को गुस्सा आने लगता है लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बोलती और मिनी को बोल देती है कि देखना कर्मा एक दिन तुम्हें जरूर हिट करेगा, मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से वो घर पर चली जाती है और अपनी पैकिंग करने लगती है और बोलने लगती है कि जी सही बोल रहा है कि मेरा और जैंग का एक बार फिर से न्यू शुरुआत कभी भी नहीं हो सकता, भले ही उसकी
फैमिली ने मेरा ध्यान दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना फ्यूचर भी इसी तरह लूप में गुजारती रहूंगी जहाँ पर मैं हमेशा सैड हूँ। आखिरकार मुझे मेरी खुशियाँ भी तो देखनी है। फिर यहाँ से वो जाने लगती है जहाँ पर जैंगो से जाने से मना कर देता है और जब उसके बैग को मार देता है पैरों से। फिर फैमिली उसे कहने लगता है, तुम्हें याद नहीं है मैं तुम्हारे लिए उस आग से बुझ कर आया हो। यहाँ पर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूजी को बचाने के लिए जैंग और स्कूल में आग वाली जगह पर चला जाता है और तो उसकी वजह से उसकी कमर पर चोट भी लग गई होती है। फिर हम प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग झगड़ने लगते हैं और तो उसकी सभी के सभी फैमिली वहीं पर आ जाती है जो पूछने लगते कि आखिर चल क्या रहा है। और यहाँ पर जैंग सभी को बोलने लगता है कि ये मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है। सभी फैमिली मेंबर्स जैंग को चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि जरूर तुमने ही कुछ किया होगा, लेकिन यहाँ पर जैंग बोला कि मैं तो बस यहाँ पर खड़ा हूँ, वही घर छोड़कर जा रही है। फिर सभी लोग उसकी बैग को देखकर शॉक हो जाते हैं। सूजी यहाँ पर सभी से कहने लगती है कि प्लीज जैंग को कुछ भी मत बोलिए, इसमें उसकी गलती नहीं है, मेरा और जैंग का रिश्ता तो है ही नहीं और तो हमारी शादी भी नहीं हुई है, हमारा जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो फेक है, तो मैं डाइवोर्स भी नहीं ले सकती, मैं तो बस अलग हो रही हूँ। और रही बात साथ रहने की, तो हम तो फैमिली की तरह हमेशा साथ में रहेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर जैंग के साथ नहीं रह पाऊंगी क्योंकि जैंग किसी और से प्यार करता है और वो है मिनी, और साथ ही साथ में मिनी उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है, तो मैं उसके बच्चे पर कोई प्रेशर नहीं बनाना चाहती। ये बात सुनते ही जैंग को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने सभी के सामने उसकी पोल खोल दी होती है। और यहाँ पर उसकी मॉम जैंग को गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है कि तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, सूजी इतने अच्छे से तुम्हारे साथ रही है और तुम उसे ये सजा दे रही हो, और तो तुम्हें पता है ना सूजी ने किस तरीके से मेरी जान बचाई थी, वो खुद वहाँ पर मरने के लिए रही थी तब जाके मेरी जान बची है और तुम उसे ऐसे रिजल्ट दे रहे हो, मुझे कभी नहीं लगा था तुम ये सब कर पाओगे। उससे ग्रैंडपा और ग्रैंडपा भी उसे धक्का मार देते और उस पर चिल्ला उठते और बोल देते कि अब से तुम हमारी फैमिली के आने वाले नए ओनर नहीं बनने वाले, हम सारे की सारी चीज़ें तुम्हारी सिस्टर के ऊपर रख देंगे और सब कुछ उसके नाम कर देंगे। यहाँ पर जैंग गुस्सा में आ जाता है और बोलता है कि सूजी के पास भी तो शेयर्स है। सूजी यहाँ पर बोलने लगती, कोई बात नहीं मैं वो सारे शेयर्स आपको वापस कर दूंगी और प्रॉपर्टीज भी, मैं उसके रियल हकदार नहीं हूँ। लेकिन उसके मॉम डैड और ग्रैंडपा उसे ऐसा करने से मना करते हैं, बोलते भले अब तुम इस फैमिली की डॉटर इन लॉ नहीं रही हो, शायद से गॉड को चाहिए था कि तुम इस फैमिली की डॉटर ही बन के रहो, तो एज ए डॉटर वो एक गिफ्ट समझ लो। इतने में ही जी आ जाता है जो कि सूजी को लेकर जाने लगता है। जैंग यहाँ पर पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारा क्या रिलेशन है, तो जी बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर जैंग बोलता है कि तभी मैं सोचूं इस शादी में इतने दरार क्यों आ रही थी। जी बोलने लगता है कि कौन सी शादी, मैरिज सर्टिफिकेट तो बताओ, तो जैंग बोलने लगता है कि भले हमारा मैरिज सर्टिफिकेट नहीं हो लेकिन हम साथ में रह चुके हैं। जी उसे याद दिलाता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिनी है और उसके पेट में तुम्हारा बच्चा भी है। फिर यहाँ पर वो जैंग की मॉम से कहने लगता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं सूजी का ध्यान बड़े अच्छे से रखूंगा। और यहाँ पर उसकी मॉम उसे खुशी अलविदा बोल देती है। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और यहाँ पर वो लोग घर पर चले जाते हैं जहाँ पर जी ने खाना बनाया होता है हमारी सूजी के लिए और सूजी को वो चीज़ें बहुत पसंद आती है। जी साथ साथ उसे ये भी कहता है, अगर तुम्हें किसी और चीज़ में हेल्प चाहिए रहेगी तो तुम मुझे ज़रूर बता सकती हो। और यहाँ पर दोनों किस करने लगते हैं जहाँ पर सूजी उसे किस करने से मना करती है। इसके बाद में रात हो जाती है जहाँ पर जी नाराज़ होता है, तो फिर सूजी से बोलती है कि कोई बात नहीं मैं तुम्हें मना कर रहूँगी, और उसे वो फेसेस पे बहुत सारे किसेस करने लगती है जहाँ पर जी भी हंसने लगता है और वो दोनों मिलकर किस करते हैं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर मिनी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होती है और तब मिनी के बारे में ये सारे रूमर्स फैल गए होते हैं कि मिनी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड की हस्बैंड के साथ ही मेकआउट कर लिया है। और यहाँ पर जैंग भी होता है जहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि तुम टेंशन मत लो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। फिर यहाँ पर मिनी उसे डिवोर्स पेपर्स दे देती है और कहती है कि डिवोर्स पेपर सूजी ने भिजवा है साइन करके। जैंग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, सूजी को तो पता है कि उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो ये डिवोर्स सर्टिफिकेट बन ही नहीं सकता। और यहाँ पर वो मिनी से पूछने लगता है कि क्या सूजी तुम्हें खुद ये सब देकर गई है, तो फिर मिनी बोलने लगती है कि हाँ सूजी को नहीं चाहिए था कि वो तुमसे वापस मिले, इसलिए उसने मुझे ये पेपर्स दे दिया और उसने साइन भी किया है। यहाँ पर जैंग साइन को देखकर समझ जाता है कि लगता है मिनी को सूजी की साइन अच्छे से निकालने आती है, साथ ही साथ उसकी हैंड राइटिंग भी। और यहाँ पर वो उसको सारी बातें बताकर गुस्सा होने लगता है। फिर बाद में मिनी उसे माफ़ी मांगने लगती है और जैंग को क्लिक होता है कि जैंग शादी के रात को मिनी के साथ क्यों गया था, क्योंकि मिनी ने ही उसे सूजी की डायरी दी थी जिसमें उसमें लिखा हुआ था कि मैं जैंग से प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे के लिए शादी कर रही हूँ, इस वजह से उसने उस पर धोखा दिया था। और यहाँ पर जैंग को सच्चाई पता चल जाती है कि इन सब के पीछे मिनी का हाथ है। यहाँ पर जैंग मिनी का गला दबाने लगता है
आर्थर उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। दूसरा हम यहाँ पर सूजी को देखते जो अपनी फैमिली से वापस मिलने के लिए आई थी और यहाँ पर उन लोगों ने उन सभी के लिए गिफ्ट लाया था। इतने में ही जैंग वहाँ पर आ जाता है जो जी पर गुस्सा आने लगता है, तो फिर सूजी और जी वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ पर जी उसे बताने लगता है कि मैं मिनी के साथ ब्रेकअप करके आ चुका हूँ, अब हमारे पास वापस से चांस है। सूजी इसके पहले कुछ बोले, जी उसे कहने लगता है कि नहीं, तुम्हारा चांस कब का खत्म हो चुका था, ये सब तुम्हें तब करना चाहिए था जब मैं उसकी लाइफ में आया नहीं था, बट तुम बहुत लेट रियलाइज कर रहे हो। यहाँ पर वो लोग जाने लगता है तो फिर जैंग सूजी को बुलाने वाला था, लेकिन सूजी यहाँ पर उसे उठाकर पटक देती है और ये चीज़ देखकर तो जी भी घबरा जाता है। फिर यहाँ पर वो जैंग से कह देती है कि आइंदा मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। फिर यहाँ पर जी उसे उठा लेता है अपने गोद में और कहता है कि तुम्हें चलने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हें सिराखों पर रखूँगा, और वो उसे खुशी खुशी लेकर जाने लगता है। एंड उसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।